एक बार फिर विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं द्वारा या उनके दलों द्वारा सनातन धर्म पर किया गया हमला। अभी बात ठंडी भी नहीं हुई थी, M.K. स्टालिन के पुत्र दयानिधि स्टालिन ने, जहां उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा आरोप लगाया और कहा कि हिंदू धर्म को हम उन्मूलन करने के लिए खड़े हुए और उन्मूलन करेंगे, वहीं अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि RJD के प्रमुख, RJD दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया बिहार से और कहा कि तिलक लगाने वाले लोग लोगों को बनाते हैं गुलाम। एक तरह से उन्होंने फिर सनातन धर्म के प्रतीकों पर किया हमला और ये बड़ी घटना है। एक के बाद RJD और M.K. स्टालिन की पार्टी DMK द्वारा बार बार हिंदू धर्म पे हमला किया जा रहा है। INIDA को लेकर के आपको बता दें कि INIDA की अगुवाई कर रही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि अगर मोदी आएगा तो भारत में सनातन आ जाएगा। आखिर क्या बात है कि INIDA के लोग लगातार सनातन पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मोदी के बहाने कहते हैं, वहीं M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि हिंदू समाज का समूल उन्मूलन कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ RJD के जगदानंद सिंह एक तीसरा दल भी अब शामिल हो गया जो सनातन पर हमले लगातार कर रहा है और लोहिया कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। जी हाँ, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में ये बड़ी खबर है जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वाले लोगों को बनाते हैं गुलाम।